आगरा में गजब की अंधेरगर्दी, कहीं पीने के लिए नहीं मिल रहा पानी, यहाँ गंगा जल से धो डाला मंटोला नाला। आगरा में G20 देशों के मेहमानों को मंटोला नाले के नजदीक से गुजरते वक्त सीवर की दुर्गंध नहीं आए, इसके लिए नाले में गंगा जल डाला जा रहा है। नाले से होते हुए ताजगंज की ओर की पाइपलाइन से रविवार को दिनभर लाखों लीटर गंगा जल नाले में बहा दिया गया। नगर निगम और जलकल विभाग की इस अंधेर गर्दी पर सवाल खड़े हुए तो दोनों विभाग जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आगरा किला के सामने झलकारी बाई तिराहा के पास शहर के सबसे बड़े मंटोला नाला का गंदा पानी यमुना नदी में गिरता है। इस नाले की सफाई के लिए एक महीने से नगर निगम जुटा है। यमुना किनारा मार्ग होकर G20 प्रतिनिधि गुजरेंगे, उनके रास्ते में यह नाला पड़ेगा। रविवार को दिन भर इस नाले में गंगा जल बहता रहा। जब इस संबंध में नगर निगम के पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण से पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें जानकारी नहीं है। नाले की दुर्गंध को दूर करने के लिए बायोकल्चर केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं जलकल विभाग के सचिव वीबी सिंह का कहना है कि जीवनी मंडी से ताजगंज क्षेत्र के वार्डों में 24 घंटे गंगा जल सप्लाई नगर निगम कराता है। गंगा जल पाइपलाइन के लिए अधिशासी अभियंता जिम्मेदार है। उधर नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे ने कहा कि इस मामले में जाँच कराई जाएगी। लोहा मंडी काजीपाड़ा मंटोला होते हुए झलकारी बाई तिराहा पर यमुना में गिरने वाले इस नाले की सफाई व दुर्गंध दूर करने के लिए नगर निगम नाले में चार जगह बायोकल्चर केमिकल मिल रहा है नाले का डिस्चार्ज 15 करोड़ रुपए लीटर यानी कि 150 ml है। इसमें चमड़े की कतरन से लेकर सीवर तक बहता है। बिजली घर चौराहा, आगरा किला का हनुमान द्वार, पिंक टॉयलेट और झलकारी बाई तिराहा पर नाले की सफाई के लिए 200-200 लीटर क्षमता की टंकियां लगा रखी हैं। टंकियों से केमिकल नाले में डाला जाता है।